विष्णु भैया प्रस्तुत है जवाहर जिद्दी और हरि कृष्ण द्वारा जवाबी कीर्तन। अपने पंचम तक पहुंच रहे है उनकी जानी पहचाने कन्हैया कैसेट के माध्यम से। बिल्कुल ठीक। जब कैसेट बजेगा यहाँ से कम एक और आदमी का नाम याद आना चाहिए। हमारे लखनऊ के बहुत ही मशहूर कवि हैं श्री अमर जी अमर। उन्होंने एक गीत अपने जीवन में गाया, कहा है पुराणों का जिक्र आधा इधर, रख दिया सुत चीर कर, निकले खंबा चीर कर, बन गए गौरी शंकर, बन गए हैं हरिहर। हम सुनते सुनते परेशान हो गए, तो मैंने कहा कि जवाहरलाल ये आधा इधर आधा उधर आधा इधर आधा उधर, तो सोचा हो कहा कि दो मास था आज तक लड़का, तो लड़का एक ही माह से होता है, एक माह से कम 149 हो जाते हैं, मगर ना के दो माह से था एक ललन, दो माह से था एक ललन, वो भी आधा आधा है। अरे जन्मा तो आधा आधा था, अब मरा तो आधा आधा। दादा कोई बहुत ऊंची कहानी नहीं है, कहानी आप लोगों की सेवा में, इसको सोचिए जरा। दो माह से था, दो माह से था एक ललन, दो माह से था एक ललन, और वो भी आधा आधा है। जन्मा तो आधा आधा था और मरा तो आधा आधा। आदरणीय यहाँ के युवा वर्ग एवं बुजुर्ग पर निवेदन है, पहले जन्म एक माह से तो दो लड़के हो सकते हैं, मगर दो माह से एक लड़का, नाम बाद में बतला दूंगा, सवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहना है कि एक मुनि ने फल दीना, अरे मुनिवर ने जब फल दीना के बोले राजन जाओ, मुनिवर ने जब फल दीना के बोले राजन जाओ, सुत होगा रानी के गर्भ से जाकर इसे, सुत होगा रानी के गर्भ से जाकर इसे खिलाओ। मगर रानी थी तो, रानी थी तो फल एक था, रानी थी तो और फल एक था, तो खाया आधा आधा है। तब जन्मा तो आधा आधा था और मरा तो आधा आधा।
अगर यहाँ तक होता, यहाँ तक होता तो जवाहरलाल ना लिखते ना। जब दोनों रानियों ने उस फल को खाया तब के हुआ गर्व रोत, के हुआ गर्व दोनों रानी को, दोनों ने जब जाया तो एक हाथ था एक पैर था आदि उनकी। एक हाथ था एक पैर था आदि उनकी काया, के दोनों अपन, दोनों अपन आधा तन, दोनों अपन आधा तन और सर भी आधा आधा है। जन्मा तो आधा आधा था और मरा तो आधा आधा। दादाजी, दादाजी बस यहीं से गाना खत्म है क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। दोनों रानियों ने आधा आधा अंग देख करके कहने लगे, सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि राजा सुने और खत्म करा दें, तो फिकवा दिया। जब फिकवाया कि आधा आधा अंग समझ कर दोनों ने फिकवाया, और उधर से एक राक्षसी आ रही थी जिसका नाम था जरा। दीना जीवन जोड़ा है तन, और दीना जीवन जब बदन आधा आधा है। जन्मा तो आधा आधा था, अब मरा तो आधा आधा। आखिरी बात, अंतिम बात, ये तो था जन्म, अब मरण। आखिर वो था कौन? जरा नाम के राक्षसी ने जब जोड़ दिया तो सवाल उठा। देखिए सवाल कुछ नहीं है, आप सबको मालूम है, सब जानते हैं, मगर आधा आधा के चक्कर में वहां तक रह गए, इधर नहीं आए। तो सवाल जवाहरलाल का कहना है के जरासंध नाम था उसका वो राजा बलकारी, जरासंध नाम था उसका वो राजा बलकारी, और भीमसेन से लड़ने के हित की जिसने तैयारी, के भीमसेन से लड़ने की हित की जिसने तैयारी, भीम ने टांगे पकड़ चीरा उसे हुआ तन आधा आधा है। अरे वो जन्मा तो आधा आधा था, अब मरा तो आधा आधा। सब लोग लिखते समरिया मोर होई गई ले गुलरी के फूलवा। अरे सब फूले फूल लिखा दो, एक आगे भी कुछ लिखा जाना। तो मैंने कहा ना फूल को छोड़ो,
भाई साहब इस लाइन को जरूर टेप करना और जहां भी बजे तो ये कैसेट जरूर बजाना। सवरिया हमरे हो गई ले गुलरी के फुलवा, तो जवाहरलाल ने कहा उस बात पर ध्यान रखिए। गुलरी के फुलवा, जवाहरलाल ने कहा आम और बेरन की पाती ना करती अटखेली, ना करती फुलवा फुलवा। अब हम पाती बतला रहे हैं। देखो राधा जी ने कहा श्याम फूल नहीं बन सकते तो पाती ही बन जाओ। कैसे बेर और के रन की पाती ना करती अटखेली, बन जाते तुम मेहंदी की पाती तो रच जाती हथेली, तो रच जाती हथेली, गुलबवा के कटवा से देते दुख बटवा। समर व सुन सुन भाई, अरे समर या सुन सुन भाई, ले जमुना के गटवा। अब आपकी सेवा में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति पुरस्कार दो बार विजेता श्री दादा हरिकृष्ण जी के। होते अगर श्याम तुम मेहंदी की पाती, कितनी सुंदर उपमा सुनी आपने के घनश्याम। अगर तुम मेहंदी की पाती होते तो मैं तुमको सिलबट्टे में रख के पीस देती। क्या बात, क्या बात है जवाहर जी, वाह। अरे लगाती तो बाद में जब तुम्हारी हड्डी पसली हो जाती, पहले पीसती मैं तुम्हें। बहुत अच्छे, लेकिन आपने कहा कि लोग फूल फूल लिखते हैं, फूल होते गुलरी के फूल, चमेली के फूल। अरे फूलों लिखना जानते हो, कुछ और लिखना जानते हो, ये हमसे आप क्यों कह रहे हैं? जो लिखते होंगे उनसे कहिए, हम तो उन लोगों में हैं कि उन्होंने लिखा फूल और आपने लिख दी पाती, तो हम ना फूल लिखेंगे ना पाती। हम दोनों के बीच में तीसरी चीज एक और है, चपाती। गुरु चपाती भैया, दीपक भैया एक मिनट भी इधर। फूल और पाती, देखिए फल आता है बाद में, मैं उन फूलों की बात कर रहा हूं जिन पौधों में फूल का महत्व है। ओहो तुम शूल जो मिटाते
शूल कांटे न फूल न पाती जवाहर जी, फूल शूल जो मिटाते मैं तुमको समझ जाती, या तो तुम मिटाते, शूल जो मिटाते मैं तुमको समझ जाती, या तुम ही शूल होते मैं तुमसे उलझ जाती। भूल गए शाम तुमने वाल गई के, भूल गए शाम तुमने वाल गई के, तुमने वाल गई के करजवा में चुभ गई, शूल रे बलम हो करजवा में चुभ गई, शूल रे बलम हो करजवा में। ये था कटपीस। और अभी आपने सुना भैया ने कहा के जन्मा भी आधा आधा था और मरा भी आधा आधा है, यानी जन्मा आधा और बीच में पूरा हो गया और बाद में फिर आधा हो गया। हालांकि मैं इनके गीत का जवाब देता था और भैया ने बता दिया, वो मैं गा चुका हूं कि जन्मा भी टेढ़ा टेढ़ा था और मरा भी टेढ़ा टेढ़ा है। लेकिन ये इतने महान कीर्तनकार हैं, महान कलाकार हैं, ये जानते हुए कि इस आदमी को ये जवाब देना है तो उन्होंने इस जवाब को खोल दिया आपके सामने, ताकि हम आप मतलब आप खुल जाए हमारा मुंह बंद हो जाए। बहुत अच्छे किलीकार हो। आइए अलग चलते हैं। जरा मेरी मजबूरी देखिए भैया, शांति बना रखे। आपने कहा है कि जन्मा भी आधा आधा था मरा भी आधा आधा है, और अगर मैं कहूं जन्मा भी पूरा मरा भी पूरा तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि तो सभी लोग पूरे जन्मते पूरे मरते हैं, कोई नई बात हो। सच बात है, सच बात है कि घात है, जब उसने घात की किसने की ये बात बताएंगे, जैसे आपने नाम बात बताया। सच घात है की घात है तो हुई जीवन में बाधा है, हुई जीवन में बाधा है कि जन्मा तो पूरा पूरा था, देखिए बीच में कटिंग हो जाता मानो, जन्मा तो पूरा पूरा था मरा तो आधा आधा है, जन्मा तो पूरा पूरा था मरा तो आधा आधा है। सच बात है की घात है तो हुई जीवन में बाधा है, जन्मा तो बुरा बुरा था मरा तो आधा आधा है, जन्मा तो बुरा बुरा था।
नाम हो। आपने बताया एक जन्म, जरासंध का केवल एक ही जन्म है, शुरू से आखिर तक गाया है, और मैं लाता हूं उसको पिछले जन्म से। के मुन के आश्रम में, मुन के आश्रम में एक दिन वो मछली पकड़ने आया। मुन के आश्रम में एक दिन वो मछली पकड़ने आया, तो क्रोधित होकर मुनिवर ने था उसको श्राप सुनाया। क्रोधित होकर मुनिवर ने था उसको श्राप सुनाया। हो मुनिवर बड़े क्रोध में उससे बोले कि तूने मछली पकड़ने का काम किया है तो जा, मेरा श्राप है। श्राप यह है, होगा असुर पक्षी बन के तू मछली पकड़ता रहे जीवन भर। होगा असुर पक्षी की तरह, तुझको पाप ने बांधा है। वो जन्मा तो पूरा पूरा था और मरा तो आधा आधा है। जिस तरह भैया ने बताया कि यहां पर नाम याद रहना चाहिए, लखनऊ के अमर जी का महान कीर्तनकार हैं, वो गाते थे आधा इधर आधा उधर, और जो मैं प्रसंग आ रहा हूं ये भी गिने चुने लोगों के पास है, और उनमें से एक व्यक्ति आपके इसी झांसी शहर के महान कीर्तनकार हैं, राही जी। मैं उनको छोड़ के बात कर रहा हूं, और जो व्यक्ति कहीं हो प्रसंग तो मैं नहीं कह सकता, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अवश्य होगा। अब उन मुनिवर के श्राप से वो पक्षी की ओर में आया, लेकिन असुर बन गया। और बना कौन? बना पूतना का भाई, बना पूतना का भाई, वो द्वापर युग में आया। वो बना पूतना का भाई और द्वापर युग में आया, और आप जानते हैं कि मछली पकड़ने का धंधा एक पक्षी का बहुत ज्यादा है। अब वो है बगुला, बक। बना पूतना का भाई वो है द्वापर में आया, नाम बकासुर था उसका ये ग्रंथों ने बतलाया। लेकिन उसने क्या क्या अत्याचारी था उत्पात करे उसे पाप ने बांधा है। मरा तो आधा आधा। अत्याचारी बना उत्पात किया, कार्य कंस का साधा है, कार्य कंस का साधा है। के जन्मा तो पूरा पूरा था, मरा तो आधा आधा है।
और हुआ क्या? उस बकासुर ने जब बड़ा उत्पात किया, ग्वालों को डराया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका संहार किया। और संहार कैसे किया? ओ के चोंच फाड़ कर उसकी, चोंच पकड़ी उसकी, के चोंच फाड़ कर उसकी अपने पैरों से संहारा। एक पैर के नीचे चोंच का एक हिस्सा दबाया, चोंच फाड़ कर उसकी अपने पर से, चोंच फाड़ कर उसकी अपने पैरों से संहारा। और क्या किया? दूजी चोंच पकड़ फाड़ा है, देखिए, दूजी चोंच पकड़ फाड़ा है ऐसा काम निराला। और चीरा इस तरह से के आधा है तन, आधा करतन हर से किशन, आधा करतन हर से किशन, जान मुस्काई राधा है। जब उनको कहीं मालूम हुआ, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई कि जान मुस्काई राधा है, कि जन्मा तो पूरा पूरा था, मरा तो आधा आधा है, जन्मा तो पूरा पूरा था।